अब फलों की बात आती है, हो सके उतना। अब क्या है ये पेस्टिसाइड्स का ऐसा कोई चक्र चल गया, लेकिन पेस्टिसाइड्स केवल ऊपर नहीं रहते हैं, ये तो अंदर तक चले जाते हैं। जितना हो सके उतना फ्रूट्स को गर्म पानी में धो के अच्छे से, फिर कपड़े से ऐसे पोंछ करके रगड़ के, जैसे आपको अंगूर खाना है तो गर्म पानी में धो लीजिए, फिर एक एक अंगूर को ऐसे रगड़िए तो उससे साफ हो जाता है। जो अब जैसे अंगूर का क्या छिलका उतारोगे आप, बैंगन का क्या छिलका उतारोगे, टमाटर का क्या छिलका उतारोगे, तो इसलिए जिन भी फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को धो सकते अच्छे से धोइए और उनको खाइए। जिनका हो सके उनका छिलका मत उतारिए, जैसे सेब है, चीकू है। अब चीकू उत्तर भारत में सब छिलका उतार के खाते हैं, मैंने देखा गुजरात में, महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में और बंगाल में भी बिना छिलका उतारे खाते हैं, ऐसे खाते हैं। अच्छा, उसके ऊपर जहाँ पेस्टिसाइड्स नहीं डाले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात। अब तो इसका काफ़ी प्रचार हो रहा है कि भाई हम सेंद्रीय खेती करें, कुदरती खेती करें, विषमुक्त खेती, ऑर्गेनिक खेती, जो भी प्राकृतिक खेती नाम जो भी लें, सत्य एक ही है, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं ना।